की बड़ी खबर के साथ। बालोतरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली है। धरने के दौरान रविंद्र सिंह भाटी संबोधित कर रहे थे, जानकारी के मुताबिक इसी दौरान सोशल मीडिया लाइव के दौरान ये धमकी दी गई और धमकी देने वाले का नाम जो है वो दिखाई दिया है, रोहित गोदारा। लिखा है भाटी को सुधरने की हिदायत देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो लेकिन रविंद्र सिंह भाटी थोड़े दिनों का ही मेहमान है, अगर समय रहते नहीं सुधरा तो। रोहित गोदारा कपूरी सर के इस हैंडल से धमकी दी गई है, सोशल मीडिया लाइव के दौरान यह धमकी दी गई। इससे पहले आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी धरने को संबोधित कर रहे थे, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उनका सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था और इसी लाइव के दौरान एक कमेंट रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से आया, जिसमें लिखा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ ही हो, रविंद्र सिंह भाटी कुछ ही दिनों का मेहमान है और अगर समय रहते नहीं सुधरा तो। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बालोतरा से, ये बड़ी जानकारी आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तस्वीर जो है वो भाटी के संबोधन की तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वो लाइव के दौरान जो धमकी दी गई उसकी तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी, रविंद्र सिंह भाटी को एक धमकी दी गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह धमकी लिखी गई है, रोहित गोदारा नाम के जो हैंडल है फेसबुक का, उसके ऊपर ये धमकी दी गई है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी आज अपने कल जो मतदान हुआ है उसके ऊपर आरोप था, कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको लेकर के बाड़मेर बालोतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। उसी मामले को लेकर के जिस दौरान कोई लाइव कर रहा था उसी लाइव के दौरान ये धमकी आई है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने प्रसंज्ञान लिया है और जिस हैंडल से आई है उसकी आईपी एड्रेस की तलाश की जा रही है ताकि कौन व्यक्ति है जिसने इस तरीके के कृत्य किया, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर में बालोतरा जो है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर चुनावी जो खटास पैदा हुई है उसी को लेकर के इस तरीके की चीजें कमेंट आ रहे हैं। हालांकि ये देखा जाना जरूरी है कि यह कौन है रोहित गोदारा जिसके द्वारा इस तरीके की रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है, उनकी तरफ से कोई शिकायत पुलिस को दी गई है? क्योंकि आज ही जो धरना समाप्त हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि तमाम जो शिकायतें आएंगी उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जी, हालांकि पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है क्योंकि जानकारी दे दी गई कि इस तरीके कोई है जिसके पास जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि अभी पहले कुछ दिन पहले जो पूर्व विधायक अमीन खान को भी इसी तरह की धमकी दी थी, वो स्थानीय लड़का था जिसको कुछ इस घंटों में पुलिस ने दस्तक गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में इसको ऊपर भी आईटी की टीम लग चुकी है पुलिस की और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा कि कौन है, किस हैंडल से हुआ है और इस हैंडल को संचालन करने वाला व्यक्ति कौन है। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के दो